अच्छा yesterday one video we have sent to you regarding the instructions of OMR sheet. Hope you all have gone through that video. And if someone have not seen, please go through that video. That is going to be very important. That will tell you that how to attempt or how to mark the MCQs properly in your OMR sheet. Right? एक चीज याद रखना, अगर आप कल वैसे जो मैंने बताया था almost वही है, बस एक चीज याद रखना कि by chance अगर आपने ये question attempt किया है और आपका ऑप्शन आपने बी उसको फाइनल किया है इस सर्कल्स में और यहाँ पे आप सी लिख रहे हो तो आपका सी ऑप्शन जो आपने बॉक्स में लिखा दैट विल बी फाइनलाइज्ड राइट. एंड मोर ओवर इफ बाय चांस आपने इसको आपका अटेम्प्टेड क्वेश्चन है ठीक है, आपने इसको बी यहाँ पे इधर आपने सी फाइनल किया, बाय चांस आप इधर वाले सर्कल को बाय चांस गलती से बाय मिस्टेक आप इसको सर्कल कर देते हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड. सो बट एक मिनट, पर अगर आपने ये वाला सर्कल फिल किया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड. सो प्रॉपरली प्लीज सी इट केयरफुली, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना. तो हाँ ये भी बात है कि अगर आप सर्कल नहीं भी फिल करोगे, सिर्फ ऑप्शन ये वाला फिफ्थ बॉक्स फिल कर दोगे, व्हेन द टीचर विल डू द चेकिंग ऑफ द पेपर दिस बॉक्स इज गोइंग टू बी considered, right? So you are to be very very careful while filling this box. सब एक चीज याद रखना, अगर आपको कोई confusions हैं, तो आप ऐसा करना कि यहाँ पे आपने fill कर दिया, आपको मान लो 20 question है, 20 में से 4 मान लो हमें नहीं आते, ठीक है? बचे 16 जो कि हमें आते हैं, उसमें से हमें दो में confusion है, तो 16 ही हमारे वो होंगे जो हमें marks देंगे. उस 16 में से भी अगर हमें दो में confusion है कि इसका B होगा या C होगा, तो उसके box को for a time being मत fill करना, छोड़ देना, इधर फिल कर देना और लास्ट में इधर चाहे ना भी फिल करोगे, जो आप बॉक्स में लिखाओगे दैट विल बी योर फाइनल आंसर ठीक है. सो एक आपकी जो इंस्ट्रक्शन ओएमआर शीट में है उसके अकॉर्डिंगली आपका रोल नंबर नेम एवरीथिंग विल बी प्रिंटेड ओवर हियर ओवर देयर. सो यू जस्ट हैव टू वन लाइन विल बी देयर टू गिव योर श्योरिटी अबाउट योर पर्टिकुलर्स, यू हैव टू फिल दैट लाइन पर्टिकुलर हैंड योर रनिंग हैंड एंड रनिंग हैंड में आपके साइन है. Nothing else. Right side पे आपने कोड फिल करना है, कोड आई थिंक ऐसे ही ओब्लीक में आएगा कुछ यहाँ पे और फिर यहाँ पे ओब्लीक के साथ जो भी आपके क्वेश्चन पेपर का कोड होगा राइट साइड पे यू हैव टू फिल दैट कोड. इफ एनी कंफ्यूजन इज देयर गो थ्रू दैट वीडियो, इवन देन इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. क्या ट्रिग्नोमेट्री कल हमने बोला था डिस्कस करेंगे, चलिए लेट्स. इफ 2x इज इक्वल टू secant theta and 2 by x, अभी आप लोगों ने आना है कोई बात नहीं, सर्कल्स भी करवाएंगे इसमें क्या. 2 by x is equal to tan theta, 2x is equal to secant theta. जब आपको कुछ करवाओ ना तब आपको सब कुछ आता होता है, आता कब नहीं है जब पेपर सामने आता है. 2x is equal to secant theta, 2 by x is equal to tan theta, then find 2 into x square minus 1 by x square. Find 2 into x square minus 1 by x square. देखो हमें x square minus 1 by x square चाहिए ना, तो आप दोनों equations में से x की value निकाल. First equation में आपने x की value निकाल ली. This is 1 by secant theta by 2. Second equation में if you are getting the value of 1 by x, you are getting it to be tan theta by 2. Everyone please do the calculation side by side. क्यों कोई फायदा नहीं है ऐसे कराने का, कुछ नहीं आपको बाद में आता पेपर में से. दिस इज tan थीटा अपॉन 2. व्हाट यू नीड टू फाइंड x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर. स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग कर दो दोनों को. दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा अपॉन 4 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 4. स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग. सो 1 बाय 4 इधर से कॉमन ले लो. This will be 1 by 4 secant square theta minus tan square theta. So you need it to be with 2. So let this 2 on the other side. You will be having 2 into x square minus 1 by x square. This is equal to 1 by 2 secant square theta minus tan square theta is equal to 1. So the answer you are getting it to be 1 by 2. 1 by 2.
ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आपका इस बार आपके प्री बोर्ड के पेपर में भी था, जो भी जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको पहले अलग से कर लो एंड उस पर कोई ना कोई आइडेंटिटी जो है स्क्वेयरिंग सबट्रैक्टिंग व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन अप्लाई. लेट अस टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट a cot theta plus b cosecant theta, this is equal to p. b cot theta plus a cosecant theta, this is equal to q. And you need to find the value of p square minus q square. P square minus Q square. What it indicates? It indicates that we should square and subtract the two equations. क्योंकि यहाँ पे P की value है, यहाँ पे Q की value है. You will do squaring and subtracting. So you will be having P square. That means A cot theta plus B cosecant theta. It's a whole square. Minus Q square. That means B cot theta plus A cosecant theta. It's a whole square. ठीक है, लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स. दिस इज ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा. माइनस को मैं साथ में अंदर लेके जा रही हूं. दिस इज माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी cosecant theta और theta, ये तो cancel हो जाएंगे. अब इनमें से इन दोनों में से a square common आया. हमारे पास जो identity होती है उसमें cosecant square theta minus cot square theta होता है ना. So अभी पहले चलो यहाँ से लिखते हैं. This will be cot square theta minus cosecant square theta. B वाली terms में से, b square वाली terms में से take b square as common plus b square common. You will be having cosecant square theta minus cot square theta. अब फैक्टराइजेशन में दोनों ब्रैकेट्स आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी हम फैक्टर्स लिख सकते हैं. मोर ओवर वैल्यू, अगर हम वैल्यू से भी जाएं, वी नो दैट cosecant square theta minus cot square theta is one, right? ये तो one से रिप्लेस हो जाएगा. इसको हम वन से रिप्लेस करने के लिए पहले माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन. सो दिस इज माइनस ए स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर इंटू वन. तो द आंसर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सीधी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हम मतलब बच्चे याद रख लेते होते हैं, बाकी आप देख लो, कोई इसमें वो नहीं है. नेक्स्ट, ये तो आपके पेपर में ही था आई थिंक. नेक्स्ट देखो, x इज इक्वल टू a secant theta, x इज इक्वल टू a secant theta cos phi, y इज इक्वल टू b secant theta sin phi, phi इज अ ग्रीक सिंबल फॉर टू रिप्रेजेंट एंगल्स, एंड देन z इज इक्वल टू c tan theta. x y z इज गिवन लाइक दिस. हाँ जी, secant theta sin phi, phi phi बोलते हैं इसको, हाँ उधर cos phi. सो यू नीड टू फाइंड x square upon a square plus y square upon b square. नाउ इट माइट बी इन योर माइंड कि अगर हमने x square over a square plus y square over b square निकालना है, then what is the purpose of this z? Actually, the answer is in term of z. You need to find, you need to write that what will be the correct answer in terms of z. But बताती हूँ. अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं है. Listen, statement is given like this, that x is given to be this, y is given to be this, and z is given to be this. And you need to find x square upon a square plus y square upon b square. अगर तो हम वैसे क्वेश्चन को देखें, अगर मैंने जैसे जब ये ऑप्शंस नहीं लिखे थे
तो आपके माइंड में आ सकता है कि जेड क्यों दिया हुआ है, हमें तो सीधा यहाँ से एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी करके स्क्वेयरिंग एडिंग करके आंसर निकालना चाहिए, करेंगे भी हम वैसे ही, बट वी नीड टू कन्वर्ट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ जेड एंड दिस विल हेल्प अस दैट हाउ टू कन्वर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर. कैसे? सबसे पहले इसमें से एक्स अपॉन ए सेपरेट करो, एक्स अपॉन ए लेट अस सेपरेटेड इट, दिस इज एक्स अपॉन ए सेकेंट थीटा कॉस फाइव राइट एंड वाई अपॉन बी सेकेंट थीटा साइन फाइव. नाउ वी विल डू स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, दिस इज एक्स एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर सेकेंट स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाइव, स्क्वेयर का मतलब दोनों को स्क्वेयर मिल गया, एंड प्लस सेकेंट स्क्वेयर थीटा एंड साइन स्क्वेयर फाइव. सो हेयर सेकेंट स्क्वेयर थीटा कैन बी टेकन एज कॉमन, इन साइड इट इज कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव. So this is one secant square theta. Now you see your z is in term of tan theta. हमारा answer z में हमें चाहिए. Z हमारा tan theta में है. Secant square theta can be written in terms of tan, like secant square theta is equal to one plus tan square theta. इसको आपने लिख दिया. क्यों इसको convert कर रहे हैं tan में? Because we need our answer in term of z. तो यहाँ से अगर आप tan theta की value निकालो, it will be equal to z upon c. Tan theta is equal to z upon c. यहाँ पुट कर दो, सो यू विल बी हैविंग दिस इज वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन, वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. लेट अस डू द नेक्स्ट वन. A cos theta plus B sin theta, this is equal to M. A sin theta minus B cos theta, this is equal to N. Find A square plus B square. करो इसको. A square plus B square आपको find करना है. M square plus N square सीधा answer आएगा. क्योंकि देखो अगर हम इसकी squaring adding करें, एक्चुअली जब हमें आंसर फाइंड करना है तो मिक्स्ड टर्म का कैंसिल होना जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म हमें फिर किसी ना किसी फॉर्मूले तक पहुंचा देंगी, है ना. मिक्स्ड टर्म कैसे कैंसिल होंगी? अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग एडिंग करती हूँ, क्योंकि आपके ऑप्शंस भी आप देखोगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ऐसे आंसर है. इसका मतलब आपको या तो स्क्वेयरिंग एडिंग करनी है या स्क्वेयरिंग सबट्रैक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ दिस. अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग एडिंग करूंगी ओनली देन द मिक्स्ड टर्म विल गेट कैंसिल्ड, बिकॉज यहाँ से 2ab प्लस के साथ आएगा, यहाँ से 2ab माइनस के साथ आएगा, मिक्स टर्म कैंसिल हो जाएंगी और जो स्क्वायर वाली टर्म है वो आइडेंटिटी के थ्रू वन में कन्वर्ट हो जाएंगी. यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेके आपके पास ए स्क्वायर बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वन बन जाएगा, और बी स्क्वायर के साथ भी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा आएगा, वो भी क्या बन जाएगा, वन. और आंसर क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. अगर आप इसकी स्क्वेयरिंग एडिंग करोगे यू विल रीच टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चलना है, हमारे ऑप्शंस ये हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड एम स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर. और आप खुद देखो अगर हम स्क्वेयरिंग सबट्रैक्टिंग करेंगे मिक्स्ड टर्म कभी कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, इधर भी प्लस तो मिक्स्ड टर्म वहीं की वहीं खड़ी रहेगी. अगर हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे ओनली देन प्लस 2ab cos theta sin theta एंड माइनस 2ab cos theta sin theta विल गेट कैंसिल्ड. So that's why I'm going with m square plus n square. ये चीज आपको हिंट दे देगी कि आपने किस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर फाइंड करना है. तो naturally m square plus n, ये क्लिक कर गया माइंड में, एक बार अपने क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख लो, you'll definitely get it to be a square plus b square. ठीक है बिलजिंदर, चलो next. Which of the following is possible? Some values of cos theta, sin theta are given. Let us see. Cos theta 7 by 5. Sin theta 13 by 12. Secant theta 4 by 5. And tan theta 41. आपको याद होगा जब हमने
ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन चैप्टर किया था, मैंने आपको रेंज बताई थी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की. साइन थीटा इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 to 1 माइनस, और सिमिलरली कॉस थीटा की भी वही रेंज हो गई. सीकेंट साइन का रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड कोसेकेंट भी कॉस का रेसिप्रोकल बीइंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड टैन थीटा कॉट थीटा कैन टेक एनी रियल वैल्यू. सो ये तो 7/5 लेस देन इक्वल टू 1 होता है कॉस का, कॉस की रेंज लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकती. सिमिलरली साइन की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती. सीकेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है एंड लेस देन इक्वल टू -1 रेसिप्रोकल है ना. सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस. अगर कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीकेंट थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. रेसिप्रोकल जब करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है. एंड टैन एंड कोट दे कैन टेक एनी रियल वैल्यू. सो टैन थीटा इज इक्वल टू 41 दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल. ट्रिग्नोमेट्री की रेंज पे आप देखोगे जितने भी आपके पास सैंपल पेपर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री की रेंज पे काफी एमसीक्यूज फॉर्म हुए हुए हैं, तो इनकी रेंज को अच्छे तरह से अपने दिमाग में रखो. नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 2 वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा. अब एक चीज और, जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें क्या था, स्क्वायर के थ्रू हम इवन वैल्यूज को हमने फाइंड किया था है ना. सॉरी, वन आपके पास पावर थी उसके थ्रू आप किसी भी इवन पावर को फाइंड कर सकते हो स्क्वेयरिंग एडिंग करके. पर इट्स ऑलरेडी इट्स बीन इन द स्क्वेयर पार्ट एंड यू हैव टू रीच इन द क्यूब पार्ट. ऐसे केस में आप कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज करते हुए यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे, ओनली देन यू कैन रीच टू द रिक्वायर्ड रिजल्ट. अब यहाँ पे आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, दिस इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. अगर मैं माइनस टू को इधर ले आऊं, सपोज इट टू बी लाइक दिस राइट. अगर यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं tan थीटा को a की तरह ट्रीट करते हुए और cot थीटा को b की तरह ट्रीट करते हुए, तो इट वुड हैव बीन लाइक दिस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2ab एंड कैन आई राइट इट लाइक दिस. अगर मैं 2 के साथ tan थीटा cot थीटा इंट्रोड्यूस कर दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज़ दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर गेट कैंसिल्ड. सो यहां से आइडेंटिटी बन गई tan थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर. Square of anything zero, thing itself should be zero. Tan theta is equal to cot theta. Tan theta is equal to cot theta at which angle? 45 pe. So iska matlab theta equal to 45. Now you put theta equal to 45 here and get the answer. Tan 45 ka cube, yani ki 1 ka cube. Cot 45 ka cube, 1 ka cube. So this will be 2. Ye thoda mushkil hoga, jisme humne स्क्वायर से ज्यादा पावर से सिंगल पावर पे वापिस आना है. सिंगल पावर से अगली पावर्स पे जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपके पेपर में भी क्वेश्चन था tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू आपको दी हुई थी, आई थिंक tan रेस टू 4 थीटा प्लस cot रेस टू 4 थीटा के स्क्वायर का निकालना था. स्क्वायर का निकालना था, 7 आंसर आ रहा था. तो उसमें क्या था, स्क्वेयरिंग एडिंग बोथ साइड, सॉरी स्क्वेयरिंग बोथ साइड. और इसमें हमने क्या किया, वी आर कंप्लीटिंग आइडेंटिटी फ्रॉम द स्क्वायर वी आर शिफ्टिंग टू द सिंगल पावर सो दैट वी कैन गेट थीटा इजीली. कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास ऑलरेडी स्क्वायर है और आगे क्यूब 5 कोई भी पावर निकालनी है, तो सबसे पहले आप थीटा निकालोगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. ठीक होगी बात. नेक्स्ट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज 2 टाइम्स लॉन्ग एज वन साइड. कोई भी आप इसकी नेमिंग कर लो. हाइपोटेन्यूज इज 2 टाइम्स लॉन्गर देन एनी ऑफ द साइड. आशिमा एनी प्रॉब्लम? किसी एक साइड को आप एज्यूम कर लो. प्लीज बिहेव योर सेल्फ, हूएवर इज देयर. सो वी आर हैविंग अपने नेम की अपनी आइडेंटिटी की कोई कदर नहीं है, देखो कि किसी की क्या कदर होगी. सो हाइपोटेन्यूज इज 2 टाइम्स वन ऑफ इट्स साइड. वन ऑफ इट्स साइड आई एम टेकिंग इट टू बी एक्स, लेट अस टेक हाइपोटेन्यूज टू बी 2x. ही सेज इफ इट इज लाइक दिस देन वन ऑफ द एक्यूट एंगल विल बी व्हाट. One of the acute angle will be what? कोई भी आप इसमें से अगर आप cos c की वैल्यू निकाल लो लाइक दिस. cos c दिस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटिन्यूज, दैट मीन्स cos c 1/2, what will be c? 30 degree. सो आंसर इज 30 degree.
60 होगा, एक 30 होगा। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे 60 निकाला है ना, बट ऑप्शन में 60 डिग्री आंसर नहीं है, तो आप 30 होगा ना दूसरा, फिर 30 ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये 30 दूसरा एक्यूट एंगल नेचुरली 30 होगा। दिस 90, दिस कम्स आउट टू बी 60, देन दिस इज 30। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं जो मैं अब लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पलर में भी है। हाँ पिछले वाला क्वेश्चन ये था ना, ये साइड 2x थी, ये x थी, इसको मैंने 90 ले लिया, ये एक्यूट एंगल निकालना है। 30 डिग्री ऑप्शन है, 45 डिग्री ऑप्शन है, और 75 डिग्री एंड 25 डिग्री, ये ऑप्शंस हैं। मैंने इस एंगल के अकॉर्डिंग ही चली, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज cos c, cos ऑफ द एंगल बिटवीन द साइड्स, x x गेट कैंसिल, 1/2 cos c, c cos थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60, C 60 हो गया, पर हमारे आंसर्स में कहीं 60 नहीं था, तो मैंने दूसरा एक्यूट फाइंड कर लिया, 90 प्लस 60, 150, तो दूसरा एक्यूट क्या आएगा, 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन x कोसेकेंट स्क्वायर 30 डिग्री, secant square 45 degree upon 8 into cos square 45 sin square 60 minus tan square 60 equals to tan square 60 minus tan square 30, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। x की वैल्यू फाइंड करो, करो वैल्यूज पुट, फाइंड x, replace the value of the trigonometric ratios at the particular angles and get x, equation है, एक तरह से equation को solve करना है, x की value find करनी है। कोसेकेंट 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 1/2 कोसेकेंट 30 2 हो गया, सेकेंट 45 कॉस 45 का रेसिप्रोकल, कॉस 45 1/√2, सेकेंट 45 √2 हो गया, कॉस 45 वी नो 1/√2 एंड साइन 60 इज √3/2, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, टैन 60 √3 एंड टैन 30 1/√3। आंसर इज 4, नो मैंने देख, मेरे को देखे तो मैंने सेम स्टेटमेंट लिखी है। फोर नहीं आ रहा, आप बताओ पहले, साइन 60 √3/2, कितना आंसर आया, 1, बिल्कुल ठीक है, 1 आंसर। तो आप भी निकालो, आप भी निकालने के लिए आओ आंसर यहाँ पे, कि दूसरों के आंसर चेक करने के लिए आए हो। एक चीज मैं बता दूं, जिन्होंने 34 35 31 मार्क्स ले लिए हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट ना होए, ओवर कॉन्फिडेंट ना होए, कॉन्फिडेंट तो हमें रहना है, ठीक है लक्ष्य, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड यू इन द प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे 1 2 3 4 के चांसेस कम हो गए हैं अब, क्योंकि ओनली 12 स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर्स। हाँ अकेले में कैसे तुक्के लगते हैं, अब देखो ऐसे लिसन कार्तिक, ऐसे क्वेश्चंस पे आप लोग गलतियां करके आओगे पक्का। चलो एक और करो, वैल्यू पुट करो, एक्स को सेकेंट 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल, रूट 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, दिस इज रूट 2 का स्क्वायर,
cos 45 root 2 का स्क्वायर, दिस इज रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर एंड दिस इज रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर. cos 45 का स्क्वायर 1 बाय रूट. चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सॉल्व करो. tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू एक्स साइन 45 कॉस 45. वन बाय टू हो गया. कितना आंसर आया इसका कार्तिक? नेक्स्ट देखो, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेन इज इक्वल टू रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी. अब देखो यहाँ पे आपने जो आंसर निकालना है उसमें आपके पास एक तो एंगल ए यू शुड नो, एंगल ए तो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री. एंड सेकेंडली सी एंगल इज रिक्वायर्ड, तो दैट यू विल फाइंड बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, 90 प्लस 60 130, सो एंगल सी 150, सो एंगल सी विल बी 30 डिग्री. तो इसको याद रखना है, ये चीज पुट करके आना है. जीरो कैसे आए? जीरो जीरो आ ही नहीं सकता, एंगल्स डिफरेंट है, मोर ओवर एंगल्स भी डिफरेंट है. यही कुछ आपने पेपर में करना है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं. 40 एमसीक्यूज जो है मैं लोग 90 मिनट्स में कर रहे हैं, देखो मैम मैंने 50 मिनट्स में कर लिए, इसके मार्क्स नहीं मिलने आपको वहां पे. 1/2 पता चला, क्या बताया मैंने कि हमारे पास जो एंगल्स हैं दे शुड बी विद अस. ए वी हैव फाइंड आउट फ्रॉम हियर, सी वी हैव फाइंड आउट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. और पेपर में लोगों ने सी ढूंढते रह जाना कि सी की वैल्यू कहां पे है. रॉन्ग स्टेटमेंट है ना. चलो नेक्स्ट देखो, tan theta is equal to a sin 5 over 1 minus a cos 5 and tan phi is equal to b sin theta upon 1 minus b cos theta. phi is a Greek symbol to represent the angles. जैसे थीटा है ना वैसे फाइव. यस बी साइन बताती हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर 1 माइनस बी कॉस थीटा, फाइंड ए अपॉन बी. अब इसको भी हम अकॉर्डिंग टू अपने ऑप्शंस के ही चलेंगे. देखना जरा, ऑप्शंस जो हैं दे आर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 5, साइन 5 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन फाइव. अब देखो जरा ध्यान से, लिसन, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमारे इस क्वेश्चन में से हमने टैन एंड कॉट की जो वैल्यूज हैं उनको एलिमिनेट कर देना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाओ, टैन थीटा वाली इक्वेशन को, इसको रेसिप्रोकल करो, यू विल गेट इट टू बी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए कॉस 5 अपॉन ए साइन 5. cot theta की वैल्यू इसमें से मैंने निकाली रेसिप्रोकल करके. अब ये जो a sin phi है इसको दोनों के नीचे लिखो, cot theta is equal to 1 upon a sin phi minus a cos phi upon a sin phi. So this is cot theta is equal to
नहीं ऑप्शन में पता है मुझे, तभी इसको मैं टैन को मुझे एक्चुअली बताती हूँ क्यों निकाला। इसको अगर ऐसे रेसिप्रोकल करूं तो चीजें इसके नीचे नहीं आएंगी, तो मैंने दैट्स व्हाई आई रेसिप्रोकल इट सो दैट कि मैं इसको डिवाइड करके किसी तरह से साइन कॉस की टर्म में कुछ फाइंड कर लूं। दैट्स व्हाई मैंने रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करते ही मेरे पास ये चीज बनी। देखो पहला क्वेश्चन ये आया कि मैंने कॉट क्यों निकाला इसमें से, मुझे एक्चुअली साइन कॉस की टर्म में आंसर चाहिए और टैन कॉट मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं इसी तरह से इसको डील करती हूँ तो शायद इसको नीचे ले जाके और प्रॉब्लम हो जाती। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड इट रेसिप्रोकल। सो कॉट थीटा ये ऊपर चला गया, एडजस्ट किया, हमारे पास एक चीज आ गई 1/a sin थीटा। कॉट थीटा प्लस कॉट फाई का आंसर ये आया 1/a sin थीटा। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करें रेसिप्रोकल करके। कॉट फाई दिस इज इक्वल टू 1-b cos थीटा अपॉन b sin थीटा। इसमें भी दोनों चीजों को लेके जाओ नीचे इसके, सो दिस विल बी 1/b sin थीटा माइनस बी भी कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी cot थीटा। cot थीटा को इधर ले आओ, cot phi प्लस cot थीटा दिस इज 1/b sin थीटा। थीटा नहीं यहाँ पे phi होना चाहिए, दोनों तरफ थीटा नहीं आ रहा, यहाँ पे phi है। अब देखो दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, cot थीटा प्लस cot phi इज इक्वल टू 1/a sin phi, और यहाँ पे cot थीटा प्लस cot phi सेम एक्सप्रेशन इज 1/b sin थीटा। एंड यूक्लिड सेज इफ दैट टू थिंग्स दे आर इक्वल टू द सेम थिंग दे आर इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब 1/a sin phi दिस इज इक्वल टू 1/b sin थीटा। तो आपके पास वैल्यू हमने a by b की निकालनी है, sin theta upon sin phi, this comes out to be a upon b. Difficult था थोड़ा। देखो इसमें हिंट यहीं से मिला मुझे कि जो मेरे आंसर्स हैं वो sin cos के टर्म में है, तो इसलिए मुझे इधर वाली चीजों को में से कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा sin cos के टर्म में, यही मेथड बचता है। ठीक है phi को एलिमिनेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट write down the next question. tan a plus cot a this is equal to 4 tan raised to 4a plus cot raised to 4a। अब देखो अब जब पेपर में आया था तब उसमें सिर्फ स्क्वायर ही था, है ना, एक पावर से हमें स्क्वायर पावर तक जाना था, बट यहाँ पे हमें स्क्वायर पावर से फिर फोर पावर पे जाना था। दैट मींस वी हैव टू डू स्क्वायरिंग टू टाइम्स, पहली बार करेंगे कुछ आंसर बनेगा उसको अगेन स्क्वायरिंग करेंगे। डू ऑल ऑफ यू करो, आपने कर लिया बाकियों को करने दो। हाँ ठीक है If the angle remains the same, ये हमने NCERT में concept किया था। If the angles remains the same, then value of the trigonometric ratios of the angle do not vary with the length of the side. Length side जितनी मर्जी बढ़ती जाए, value trigonometric ratio की change नहीं करती until the angle remains the same. करो इसको 194। हाँ साइन एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स
दिस इज इक्वल टू टू फाइंड साइन 19x कोसेकेंट 20x नहीं कुछ है, कुछ हमें चीजें ट्रिक से भी याद रखनी पड़ेंगी, इसमें कोई वो नहीं है, मैंने बताया हुआ है कि दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, व्हेन यू विल सॉल्व इट साइन की वैल्यू यहां से आ जाएगी, किसी को नहीं भी याद तो सुन लो दोबारा, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे 1 / sin x स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, वी विल गेट इट टू बी लाइक दिस, ये आ गया, सो sin स्क्वायर x + 1 2 sin x sin स्क्वायर x - 2 sin x + 1 0 sin x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ठीक है, sin x की वैल्यू 1 हो गई तो secant x उसका रेसिप्रोकल वो भी क्या आएगा 1 1 की 19 पावर रेज करो 20 कूल करो 1 ही रहेगा, आंसर इज 2 ठीक है, कंटिन्यू टू Thank you.